ये देखिए हमारे मलाई कोफ्ता में अंदर सच में मलाई है और उसमें से निकल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय केकरी एडिक्शन। आज हम मलाई कोफ्ता बनाएंगे। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बॉयल्ड आलू लिया है, 4 से 5 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, ये वाइट ब्रेड स्लाइस है, मलाई ऑफ कोर्स जाएगी, काजू और किशमिश लिया है, 50 ग्राम्स पनीर, 2 चिलीज, थोड़ी गार्लिक और जिंजर का पीस, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग 50 ग्राम्स पनीर और सॉल्ट टू टेस्ट। यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया है मैंने, मिक्सी जार में मैंने जिंजर गार्लिक चिलीज और ये ब्रेड डाला है। ब्रेड को हम इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके कोफ्ता को देंगी बाइंडिंग। आपको अगर ये ब्रेड स्लाइसेस कम पड़ रहे हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें ब्रेड स्लाइसेस का क्रम भी डालें। यहाँ पे मैं पोटैटोज ले रहा हूँ, पोटैटोज को मैं हाथ से ही मैश कर रहा हूँ एक बोल में। ये पोटैटोज थोड़े रेड रेड दिख रहे हैं बिकॉज जब मैंने उसको बॉयल किया था तो मैंने उसके साथ बीटरूट बॉयल किया था, तो उसके वजह से उस पर इसका कलर चढ़ गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हम सबको पता है जब भी हम पोटैटोज को बीटरूट के साथ बॉयल करते हैं तो ये ऐसे ही होते हैं। तो उसके साथ मैं अभी यहाँ पे जो हमने ब्रेड ग्राइंड किया था वो डाल रहा हूँ। इसी बोल में काजू और किशमिश, रेजिन्स, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट डाल रहा हूँ, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। रेड चिली पाउडर लिया 1/4 टीस्पून, 50 ग्राम्स पनीर लिया है मैंने, धनिया पाउडर लिया 1 टीस्पून के अराउंड, किचन किंग मसाला आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको अगर ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, सॉल्ट टू टेस्ट। मैंने यहाँ पे किचन किंग अराउंड एंड अराउंड 2 टीस्पून के अकॉर्डिंगली लिया है। अभी अगर आपका बैटर यहाँ पे बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें 1 या 2 ब्रेड को और ग्राइंड करके डाल सकते हो, और एल्स आप इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो। मेरा जो मिक्सचर था इतने में बाइंड हो गया। हम कोफ्ता बनाएंगे। अब हम कोफ्ते बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटा सा बॉल बनाया, उस बॉल की छोटी सी कैविटी बनाई, उस कैविटी के अंदर आपको मलाई फिल करना है। दैट वुड बी अराउंड 2 से 3 टीस्पून के अराउंड की इधर भी जाता है, जितना आपको बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हो, लेकिन मैं जब भी अपने घर पे बनाता हूँ ये इसी स्टैंडर्ड साइज़ के बनाता हूँ, थोड़े बड़े। इसमें 2 टीस्पून कम से कम मलाई डालते हैं ताकि जैसे कि आप उसको बीच से कट करो या खाओ तो आपको वो मलाई कोफ्ता का फील आना चाहिए, आपको लगे सच के इसमें मलाई है। सो बेसिकली हम पनीर स्टफ़ नहीं करते, ये मेरा स्टाइल है मलाई कोफ्ता बनाने का। यहाँ पे मैं आपको और एक बना के दिखा रहा हूँ। एक बॉल लिया छोटा सा, उसके अंदर मैंने मलाई डाला कैविटी बना के, दूसरा मैंने एक बॉल छोटा सा रखा और वापस से मैंने उसका कोफ्ता बना दिया। सो इन कोफ्तों को अब हम स्टिफ होने के लिए, जिसके अंदर हमने मलाई डाली है वो स्टिफ होने के लिए हम डाल देंगे फ्रीज़र के अंदर। सी देखिए ये कितने बड़े बड़े और अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। अभी हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 3 बड़े अनियंस को स्लाइस करके डाला है और वो है ड्रायली ही रोस्ट कर रहा हूँ, जब तक इनका थोड़ा मॉइस्चर निकलेगा तो कैसे वो कुक होने में ईजी हो जाएगा। इसका थोड़ा मॉइस्चर हम ऐसे ही निकालेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, और जैसे इसका थोड़ा मॉइस्चर निकल जाए, एक स्मेल निकल जाए, उसके बाद हम इसमें अराउंड एंड अराउंड 3 टेबलस्पून्स के अराउंड ऑयल डालेंगे और उसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करेंगे, लाइट रेड कलर होने तक। यहाँ पे मैंने मिक्सी जार लिया है, मिक्सी जार में मैंने जिंजर गार्लिक चिलीज लिए हैं, 4 टमाटोज लिए हैं, ये कुछ गर्म मसाले जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, किचन किंग, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। ये स्पाइसेस आपको अपने हिसाब से लेने हैं क्योंकि अपने प्रेफरेंस के हिसाब से होते हैं वो सब। और यहाँ पे मैंने अनियन भी इसके अंदर डाला। अभी हम इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। कोफ्ता हम यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। कोफ्ता कैसे फ्राई कर रहे हैं, देखो हमने उसको एकदम गरम तेल में, एकदम हाई फ्लेम पे मैंने ऑयल गरम किया, उसमें 2 ही कोफ्ताज डाले और फिर फ्लेम स्लो करके उसके ऊपर ऑयल ऐसे छिड़क रहा हूँ। मैं हमेशा कोई भी चीज़ डीप फ्राई करता हूँ तो उसको ऐसे ही फ्राई करता हूँ। इनिशियली उसको छेड़ो मत बिल्कुल भी, अगर आप थोड़ा भी उसको कुछ करोगे तो वो टूटने के चांसेस होते हैं। सो बेसिकली इसको थोड़ा डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। और देखो जब भी आपका ऑयल ठंडा होता है और आपका कोफ्ता चिपक जाता है ना, तो उसके रिमेन्स निकालने में इतना प्रॉब्लम होता है, और अगर आप नहीं निकालोगे ना तो फिर आपको ये बाद में भी तकलीफ देगा, क्योंकि आप जब दूसरे कोफ्ते फ्राई करोगे वो भी इसके साथ चिपकते जाएंगे। गरम मसाले में मैंने लिया था 1 बेलीफ, ज़ीरा, इलायची और 1 या 2 लवंग। आपको जो चाहिए गरम मसाला आप वो लो, आपको चाहिए आप स्किप करो, पूरा का पूरा स्किप करो। सो इट बेसिकली इसमें आपको अपने स्पाइसेस और फ्लेवर्स को बैलेंस करके चलना है। अगर आपके घर पे मसालेदार खाना कम पसंद किया जाता है, आई वुड सजेस्ट बिल्कुल भी मत डालो, सिर्फ इलायची और ज़ीरा वो कंपल्सरीली आपको डालना है।
अभी इस मिक्सचर को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। सो इस गरम मसाले को, इस हमको ग्राइंडेड पेस्ट को पैन में मैंने डाल दिया, और उस पैन में बिल्कुल ऑयल नहीं लिया था, और उसी मैंने मिक्सर जार में 1/4 कप के अराउंड मिल्क डाला है। अभी मैंने इसके अंदर पाउडर गरम मसाला भी डाला था और ये अक्खे गरम मसाले भी डाले थे, सो उसकी वजह से ये थोड़ा तेज बनता है और अच्छा लगता है टेस्ट में। अभी हमने इसको थोड़ा भूना, जैसे इसका ऑयल बाहर आया हमने इसमें मिल्क डाला, मिल्क डाल के मिक्स करने के बाद सॉल्ट और शुगर, शुगर का एकदम पिंच डाला है और सॉल्ट आपको एकदम ध्यान से डालना है। कीप ऑन मिक्सिंग दिस। और अभी अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी, अगर आपको थिक ग्रेवी अच्छी लगती है तो। मैं यहाँ पे इसके अंदर पानी डाल के इसको एडजस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती है, हमारे घर पे थोड़ा इसको मीडियम कंसिस्टेंसी का खाया जाता है। सो यहाँ पे मैंने इसको उस कंसिस्टेंसी का कर दिया है। और अब जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी थी, ये आपको एक्चुअली जब आप मसाले डालते हो लाइक सॉल्ट एंड शुगर हमने डाला तभी डालना था, 2 टेबलस्पून मलाई ग्रेवी में भी डालनी है हमको, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्विंग बोल लिया है, सर्विंग बोल में मैंने कोफ्ते रखे हैं और उसके ऊपर आपको ग्रेवी डालनी है। अगर आप ग्रेवी में पहले से कोफ्ते डाल के रखोगे वो सॉगी हो जाएंगे और वो टूट जाएंगे, सो मतलब नहीं है। ये मैंने हरा धनिया और कुछ मलाई से मैं इसको गार्निश कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।